हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे फ्राइडे सीरीज का 7वां पार्ट, जिसका नाम है फ्राइडे द 13 अ न्यू ब्लड। तो जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा कि टोमी ने अनजाने में ही मरे हुए जेसन को रिवाइव कर दिया था, बट एंड में टोमी ने ही जेसन को क्रिस्टल लेक के बॉटम में कैद कर दिया और अब वो वही है। लेकिन जेसन अब एक सुपर नेचुरल बींग बन चुका है और मूवी का मेन कैरेक्टर जेसन को कड़ी टक्कर दे सके, इसलिए इस पार्ट की फाइनल गर्ल टीना के पास भी टेलीकिनेसिस की पावर्स हैं। अ न्यू ब्लड रिलीज की गई थी 1988 में, पिछले पार्ट से 2 साल बाद, और इसके IMDb रेटिंग 5.3 है। ये इस सीरीज की 7वीं वीडियो है, तो अगर आपने पिछले 6 पार्ट्स की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले उन्हें जरूर देखें, नहीं तो आपको इस पार्ट में कुछ खास समझ नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस पार्ट से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। अब चलिए शुरू करते हैं फ्राइडे द 13 पार्ट 7। मूवी की शुरुआत में हमें अब तक की सारी कहानी दिखाई जाती है कि जेसन कौन था और अब वो क्रिस्टल लेक के बॉटम में कैद है। अगर आपने पिछली वीडियोस देखकर आए हैं तो आपको ये सब ऑलरेडी पता होगा। कहानी की शुरुआत होती है जेसन के लेक में डूबने के कुछ महीनों बाद। हम 10 साल की टीना को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। इनका घर क्रिस्टल लेक के पास ही है। टीना के शराबी फादर जॉन उसकी मदर को फिजिकली अब्यूज कर रहा था और ये सुन टीना वहाँ से भागने के लिए लेक की बोट में बैठ जाती है। उसका फादर जॉन उसे वापस आने बोलता है, लेकिन टीना कहती है कि वो उससे काफी नफरत करती है और काश वो मारा जाए। एक्सट्रीम इमोशन के कारण टीना पहली बार अपनी टेलीकिनेसिस की पावर अनलॉक करती है और जिस डॉक पर जॉन खड़ा था वो टूट जाता है और लेक में डूबने से जॉन की मौत हो जाती है। अब कहानी जाती है 10 साल बाद। हम टीना और उसकी मोम को देखते हैं। अपने फादर की मौत की जिम्मेदार होने के कारण टीना गिल्ट ट्रॉमा से गुजर रही है। इसके ट्रीटमेंट के लिए उसे कई मेंटल इंस्टीट्यूट में डाला गया, लेकिन अभी तक वो ठीक नहीं हुई है। और अब ये दोनों अपने उसी क्रिस्टल लेक वाले घर में जा रहे हैं जहां पर ये सब शुरू हुआ था। टीना के डॉक्टर क्रूज को यकीन था कि यहाँ वो टीना का ट्रीटमेंट जरूर कर देगा, जबकि असल में वो बस उसकी पावर्स को स्टडी करना चाहता था उसका स्ट्रेस लेवल हाई रखकर, क्योंकि हाई स्ट्रेस में ही टीना अपनी पावर यूज कर सकती है। इसलिए वो टीना को उस जगह लाया है जहाँ उसके फादर की डेथ हुई थी, ताकि वो हमेशा डिप्रेशन और स्ट्रेस में रहे। डॉक्टर क्रूज जब टीना का सेशन लेता है तो वो उसे काफी गुस्सा दिलाता है और अपना ध्यान एक माचिस के बॉक्स पर लगाने को कहता है। और कुछ देर बाद टीना उस माचिस के बॉक्स को मूव करने और जलाने में कामयाब हो जाती है और वहां से उसी डॉक पर जाती है जहां जॉन डूब गया था। वो अपनी गलती सुधारने के लिए अपनी पावर्स का यूज कर जॉन को वापस जिंदा करने की कोशिश करती है। अब टीना का तो पता नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि इस लेक में जॉन के अलावा भी किसी की बॉडी डूबी हुई है और वो है जेसन, जो अब 10 सालों से इस लेक में डूबा हुआ है। अब टीना अपनी पावर्स से जॉन को तो नहीं, लेकिन जेसन को जगा देती है। साथ ही वो उसके जंजीर भी तोड़ देती है और जेसन आजाद हो जाता है और वो लेक के बाहर निकलता है और उसे देखकर टीना बेहोश हो जाती है। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। और जेसन जंगल में चला जाता है। टीना को अपने घर में होश आता है। वो अपनी मदर और डॉक्टर को बताती है कि उसने किसी को लेक से निकलते हुए देखा था, लेकिन डॉक्टर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि उसे कोई भ्रम हुआ होगा, उसने अपने फादर को देखा होगा। इनके पड़ोस में ही एक और घर है जिसमें कुछ टीन्स वेकेशन मनाने आए हैं। इनमें मेन कैरेक्टर है निक, जो कि टीना को लाइक करने लगता है, पापा की परी मलिशा, साईफाई फैन एडी, नशेड़ी डेविड, रसल और उसकी गर्लफ्रेंड सैंड्रा, बेन और उसकी गर्लफ्रेंड केट और कुछ और टीन्स। ये सब यहाँ निक के भाई माइकल की सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए आए हैं। रात को निक टीना को बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करने आता है, क्योंकि टीना एक नॉर्मल लाइफ शुरू करना चाहती थी। वो निक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और उसके फ्रेंड्स के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती है। वहीं मलिशा को उसका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसके बाद हम निक के भाई माइकल को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड जेन के साथ क्रिस्टल लेक आ रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी कार खराब हो जाती है और माइकल डिसाइड करता है कि वो जंगल से होते हुए जाएंगे। जंगल में माइकल एक नंबर करने के लिए जेन से अलग हो जाता है और जेसन जेन को पकड़कर उसके गले में एक स्पाइक डाल देता है। माइकल जब वापस आता है तो जेन की बॉडी देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेसन उसकी पीठ में भी स्पाइक मार देता है और उसे गिरा देता है और माइकल भी मारा जाता है। पास में ही 2 कैंपर्स डेन और जूडी थे। डेन फायर के लिए कुछ लकड़ियां लेने जाता है और जेसन उसकी पीठ में पंच मार छेद कर देता है और जेसन को डेन के पास से अपना फेवरेट हथियार मशेटे भी मिल जाता है।
इसके बाद जेसन जूडी के पास जाता है, जो उसे देख एक स्लीपिंग बैग में छुप जाती है। जेसन जूडी को स्लीपिंग बैग के साथ ही घसीटता है और उसे एक पेड़ पे दे मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये एक फैन फेवरेट किल था जो हमें जेसन एक्स और रिबूट में भी देखने को मिलेगा। इधर पार्टी में टीना को जेसन और माइकल का विजन आता है और वो पार्टी छोड़कर अपने घर चली जाती है और ये सब अपनी मोम को बताती है कि उसने फिर से उस आदमी को देखा। और डॉक्टर क्रूज कहता है ये सब उसके दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। अगले दिन सब सोच रहे थे कि माइकल अभी तक वहाँ क्यों नहीं पहुँचा। टीना और निक भी एक दूसरे को अपने पास्ट के बारे में बताते हैं और करीब आ जाते हैं। उसी रात को रसल और सेंड्रा लेक में नहाने जाते हैं और जेसन आकर मशेटे से रसल को मार देता है और फिर वो लेक में सेंड्रा के पीछे टेलीपोर्ट होता है और उसे लेक के अंदर खींच उसे भी मार देता है। इसके बाद वो आरबी के पास जाता है जिसके अंदर बेन और केट थे। वो अपने हाथों से बेन के स्कल को क्रश कर देता है और एक पार्टी हॉर्न केट की आंख में घुसा देता है। टीना को फिर से जेसन का विजन आता है और वो अपनी मोम से यहाँ से वापस चलने को कहती है, लेकिन डॉक्टर क्रूज ये नहीं चाहता था। वो उसे वापस मेंटल हॉस्पिटल में डालने की धमकी देता है और टीना गुस्से में उस पर एक टीवी दे मारती है। इसके बाद डॉक्टर क्रूज जंगल में जाता है जहां उसे माइकल की डेड बॉडी मिलती है और उसे यकीन हो जाता है कि टीना सच बोल रही थी। वो डर कर वापस आ जाता है लेकिन किसी को कुछ नहीं बताता। इधर अमेंडा डॉग की कुछ वीडियो फुटेज देखती है और उसे डॉक्टर की असलियत पता चल जाती है कि वो टीना का इलाज नहीं कर रहा था बल्कि उसकी मेंटल कंडीशन को और बिगाड़ रहा था, और वो टीना को यहाँ से ले जाने के लिए उसे ढूंढने निकल जाती है। इधर टीना माइकल को अपने विजन के बारे में बताती है और ये भी कि शायद उसका भाई मारा जा चुका है, इसलिए वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा। और ये दोनों भी जंगल में माइकल को ढूंढने निकल जाते हैं और उन्हें माइकल की डेड बॉडी भी मिल जाती है। इधर जेसन अमेंडा और डॉक्टर क्रूज के सामने आ जाता है और डॉक्टर अमेंडा को आगे कर देता है और उसे मरने देता है और खुद जंगल में भाग जाता है। इसके बाद जेसन पार्टी हाउस में पहुंच जाता है और डेविड को एक नाइफ से मार देता है और रोबिन को विंडो के बाहर फेंक देता है। डेड बॉडीज देखकर टीना और निक वापस टीना के घर आ जाते हैं और उन्हें भी डॉग की सच्चाई पता चल जाती है। साथ ही ड्रोवर्स में से टीना को जेसन के कुछ आर्टिकल्स भी मिलते हैं और टीना पहचान जाती है कि ये वही है जिसे उसने लेक में देखा था, और वो समझ जाते हैं कि जेसन वापस आ चुका है और ये सब मर्डर्स वो ही कर रहा है। टीना निक को एक गन देती है और वो अपने दोस्तों को चेतावनी देने जाता है, लेकिन उसे सिर्फ मलिशा ही जिंदा मिलती है। और टीना अपनी मोम अमेंडा को ढूंढने वापस जंगल में जाती है, लेकिन उसे वहाँ सिर्फ डॉक्टर क्रूज ही मिलता है। वो उससे पूछते हैं कि उसकी मोम कहाँ है, जिस पर वो झूठ बोलता है कि वो घर पर है, लेकिन टीना डॉक्टर की शर्ट पर खून के निशान देख लेती है और डॉक्टर उसे सच्चाई बताता है कि उसकी मोम को जेसन ने मार डाला, लेकिन टीना उसका बिलीव नहीं करती और अपनी मोम को ढूंढने वहाँ से भाग जाती है। और डॉक्टर के पीछे से जेसन एक ट्री कटिंग सॉ लेकर आता है और उस सॉ से डॉक्टर क्रूज को काट देता है। टीना को अपनी मोम और बाकी टीन्स की डेड बॉडीज मिलती हैं और वो वापस निक के पास जाने के लिए निकल पड़ती है और रास्ते में उसका सामना जेसन से होता है। अपनी मोम की डेथ के कारण वो अपने एक्सट्रीम इमोशंस पर थी और वो अपनी टेलीकिनेटिक पावर्स का यूज करने लगती है। सबसे पहले वो जेसन को कुछ बेलों से बांध कर कीचड़ में गिरा देती है और कीचड़ में एक बिजली का तार भी गिरा देती है और जेसन को इलेक्ट्रिक्यूट कर देती है। करंट लगने से जेसन थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है, लेकिन वो कुछ ही देर में वापस जाग जाता है और टीना अपने घर में जाकर छुप जाती है, जहां जेसन उसका पीछा कर वहां पहुंच जाता है। अब टीना अपनी साइकिक पावर से जेसन को मारने के लिए पहले उस पर एक सोफा उठा के मारती है, फिर उसके सर में एक गमला दे मारती है और फिर उसके ऊपर घर की छत भी गिरा देती है, लेकिन इतने से भी जेसन का कुछ नहीं होता। इसके बाद टीना भागकर निक और मलिशा के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है, और मलिशा जेसन वाली बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं करती और वहां से जाने के लिए डोर ओपन करती है और डोर पर जेसन खड़ा था, शायद डोरबेल ढूंढ रहा होगा। वो मलिशा के फेस पर एक एक्स मारता है और उसे पुतले की तरह फेंक देता है। टीना और निक उससे बचने के लिए बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेसन डोर ब्लॉक करके खड़ा था और जेसन के पास जाना मतलब मौत को दावत देना, और वो दोनों सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। जेसन भी इनके पीछे ऊपर आता है और टीना जेसन के सर पर एक लैंप फोड़ देती है, जिससे जेसन सीढ़ियों के अंदर गिर जाता है। अब ये दोनों वहां से भागने का ट्राई करते हैं, लेकिन जेसन निक को पकड़ लेता है और निक बेहोश हो जाता है। टीना अपने माइंड से जेसन का सर क्रश करने लगती है, जिससे उसका मास्क भी टूटकर निकल जाता है और हमें अब तक का बेस्ट जेसन फेस रिवील देखने को मिलता है, जिसे देख टीना भी डर जाती है। बहन डर गई। फिर टीना एक और लैंप फोड़कर उसकी केबल से जेसन का गला कस उसे उठा देती है और बेसमेंट में गिरा देती है।
लेकिन जेसन टीना को भी बेसमेंट में खींच लेता है, जहां टीना उसके शरीर में कुछ कीले घुसा देती है और फिर उसे गैसोलीन से नहला देती है और फाइनली उसमें आग लगा देती है, जो किसी को भी सबसे पहले करना चाहिए जब उनका सामना एक अनडेड मॉन्स्टर से हो रहा हो। खैर, ये आग पूरे घर में फैलने लगती है और टीना निक को लेकर वहां से बाहर निकलती है और ये दोनों लेक के पास आ जाते हैं और घर ब्लास्ट हो जाता है और ये दोनों चेन की सांस लेते हैं कि फाइनली जेसन मारा गया। लेकिन तभी जेसन इनके पीछे से प्रकट होता है। निक उसे कई बार शूट करता है और जेसन उसे एक थप्पड़ मारकर बेहोश कर देता है और अब वो टीना की तरफ मुड़ता है। जेसन के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो टीना से कितना गुस्सा है और उसकी इतनी बुरी पिटाई इससे पहले किसी ने नहीं की थी। जेसन टीना की तरफ बढ़ता है और टीना एक आखिरी बार अपनी पावर्स का यूज करती है और लेक में से उसका डेड जोन बाहर आता है और जेसन के गले में जंजीर बांध उसे अपने साथ वापस लेक में डुबा लेता है और टीना भी बेहोश हो जाती है। अगली सुबह यहाँ हम फायर डिपार्टमेंट को देखते हैं जो जंगल की आग बुझाने आए हैं और एम्बुलेंस में भी सभी डेड बॉडीज को कलेक्ट किया जा रहा था। इसमें से एक डॉक्टर को जेसन का टूटा हुआ मास्क भी मिलता है। निक और टीना, जो कि अब बिल्कुल ठीक है, उन्हें भी एम्बुलेंस में डालकर यहाँ से ले जाया जाता है और ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, काश मैं कह सकता कि टीना के फादर वाला सीन बस उसका एक ड्रीम था, लेकिन ऐसा नहीं था। तो हाँ, इस फिल्म की एंडिंग थोड़ी अजीब थी। आई मीन, जेसन का तो समझ आता है कि वो मरकर वापस आ सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो वो है जेसन। पहली बात तो इससे डरावना जेसन डिजाइन मुझे तो नहीं लगता किसी और फ्राइडे फिल्म में किया गया है। प्लस इतनी कड़ी टक्कर भी जेसन को आज तक किसी ने नहीं दी और इस फिल्म से बेटर स्टंट्स भी हमें शायद फ्रेडी वर्सेस जेसन में ही देखने को मिलने वाले हैं। और इन ऑसम स्टंट्स का पूरा क्रेडिट जाता है स्टंटमैन केन होडर को, जिन्होंने ना सिर्फ इस फिल्म में बल्कि अगले 3 पार्ट्स में भी जेसन का रोल किया है। उस टाइम कोई CGI नहीं था, इसलिए केन होडर को 40 सेकंड के लिए सच में आग लगाई गई थी, जो उस समय का रिकॉर्ड था। अब बात करें नेगेटिव पॉइंट्स की, तो सब कुछ, आई मीन, जेसन को छोड़कर इस मूवी में कुछ भी अच्छा नहीं था और मुझे तो इस फिल्म ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया। इसके सिर्फ लास्ट के 15 मिनट ही इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा जंगल वाले सीन्स कितने कन्फ्यूजिंग है ये मैं ही जानता हूँ। ये फिल्म $2.7 मिलियन के बजट में बनाई गई थी और इसने सिर्फ $19 मिलियन की ही कमाई की थी। ये फिल्म सीरीज की सबसे कम गोर वाली फिल्म है, लेकिन इसका जिम्मेदार स्टूडियो नहीं बल्कि MPAA था। अमेरिका के सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म की सभी डेथ और गोर सीन्स को कट करवा दिया था। स्लीपिंग बैग डेथ वाला सीन भी काफ़ी लंबा होने वाला था, जिसमें पूरा बैग खून से लाल होने वाला था और मलिशा का हेड भी 2 हिस्सों में अलग होने वाला था। इस फिल्म का कोई भी अनकट डायरेक्टर्स वर्जन नहीं है, क्योंकि वो वर्जन डायरेक्टर के हाथों ही गलती से डिलीट हो गया था। ये फिल्म फ्रेडी वर्सेस जेसन होने वाली थी, लेकिन राइट्स के चक्कर में ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। जेसन के राइट्स पैरामाउंट के पास थे और फ्रेडी के राइट्स न्यू लाइन सिनेमा के पास, और दोनों स्टूडियो के बीच कोई डील नहीं हो सकी। इस फिल्म को जेसन वर्सेस कैरी भी बोला जाता है। कैरी एक हॉरर फ्रेंचाइजी है जिसमें कैरी के पास टेलीकिनेसिस की पावर्स होती हैं और ऐसी ही पावर्स हमें टीना के पास देखने को मिली। इस फिल्म का वर्किंग टाइटल बर्थडे बेस था। इस पार्ट में हमें जेसन का मास्क कटा हुआ देख सकते हैं, जो कि पिछले पार्ट के एंड में प्रोपेलर के ब्लेड से कटा था। तो दोस्तों, आपको इस पार्ट में क्या अच्छा या क्या बुरा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस मूवी की एंडिंग थोड़ी अजीब लगी तो नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जेसन टेक्स मैनहट्टन काफ़ी ज़्यादा अजीब होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो के साथ।